तो यहाँ पे आप सबको आने के लिए शाम को शाम के समय में अपने सभी आजकल के ज़माने में बिजी होते हैं, किसी के लिए भी समय निकालना आसान नहीं होता। शायद आपा को बहुत बहुत शुक्रिया इसका ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और आप सबको यहाँ पे आने के लिए। आज आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि आज से इन लेस देन वन मंथ लोकसभा का इलेक्शन है और इलेक्शन हमेशा एक बहुत ज़रूरी समय होता है। इलेक्शन एक ऐसा समय होता है जब हमें बहुत सोच समझ के एक निर्णय लेना होता है, एक डिसीजन लेना होता है कि हम किसे वोट करें। अगर हम सही पार्टी को, सही कैंडिडेट को वोट करते हैं तो फिर 5 साल तक हमारी लाइफ में, हमारे आसपास की सोसाइटी में, हमारे देश में कुछ सुधार आता है। बट अगर गलत पार्टी को वोट दिया, गलत कैंडिडेट को वोट दिया, तो 5 साल फिर उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि वोट का फैसला एक बारी हो जाता है तो 5 साल तक हम उसे बदल नहीं सकते। जब हम एक नॉर्मल कोर्स में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, हम कोई अगर दुकान में जाते हैं कपड़े खरीद के लेके आ जाते हैं कोई सलवार कमीज, पर अगर घर जाके लगता है कि इसका कलर ठीक नहीं है या प्रिंट ठीक नहीं है या साइज़ ठीक नहीं है, हम अगले दिन दुकान में वापस जाके कहते हैं कि जी बदल दीजिए। एक कपड़े में खरीदा हुआ गलत डिसीजन अगले दिन बदला जा सकता है, लेकिन वोट का फैसला एक बार हो गया तो हम उसे 5 साल तक बदल नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है और इसलिए आई थिंक आप लोगों की पहल बहुत अच्छी है कि आप सब कैंडिडेट्स को बुला के यहाँ पे उनसे चर्चा कर रहे हैं, सो दैट एक सोच समझ के डिसीजन लिया जा सके। हम लोग 4 साल पहले भी आप सबके बीच आए थे वोट मांगने के लिए और आप लोगों ने हम पर बहुत भरोसा दिखाया। तब तो हम बिल्कुल नई पार्टी थे, बहुत लोग जानते भी नहीं थे आम आदमी पार्टी क्या है, अरविंद केजरीवाल कौन है, झाड़ू का चुनाव सिंबल ही हमें लोगों को एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय लगा था। और दो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने, कांग्रेस के सामने, बीजेपी के सामने, आप सब ने हम पर भरोसा किया। एब्सोल्युटली हाईएस्ट मार्जिन्स के हाईएस्ट, आई थिंक ही वाज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, 1 लाख से ज़्यादा उनको वोट मिले ओखला के विधायक को। एंड मुझे लगता है कि ओखला असेंबली की हिस्ट्री में भी शायद दिस हैज़ बीन वन ऑफ द हाईएस्ट वोट्स दैट एनी एमएलए हैज़ एवर रिसीव्ड। तो आप लोगों का भरोसा था जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ओखला से जीती, आपका भरोसा था जिसकी वजह से दिल्ली में 70 में से 67 सीट्स आम आदमी पार्टी ने जीती। एक ऐसी छोटी सी पार्टी जिसके पास पैसे भी नहीं थे, जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के हथकंडे भी नहीं अपनाती थी, सो आप लोगों के प्यार और भरोसे की वजह से हम वहाँ पर पहुँचे। और हमारी ये कोशिश रही है पहले ही दिन से, आप देखिए आम आदमी पार्टी में जो बहुत सारे लोग हैं, हम में से किसी ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में जाएं। हम सब, चाहे आप केजरीवाल जी को देख लीजिए, IRS ऑफिसर थे, एक हाईली रिप्यूटेड नौकरी मानी जाती है वो। मनीष सिसोदिया जी को देखिए, एक जर्नलिस्ट थे, मैं खुद विदेश में रहती थी, पढ़ती थी, काम करती थी। हम लोगों का पॉलिटिक्स में आना ही इसलिए हुआ क्योंकि हम ये देखते थे कि हम जब सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम रात को जब टीवी डिबेट्स देखते हैं, या आपस में जब हम दोस्तों के बीच में बात करके इस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तो हम करीब 5 से 7 मिनट में एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। और वो कंक्लूजन ये है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। एंड ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे देश की सोसाइटी के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, क्या हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस? कि हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल एजुकेशन मिल सके, अगर वो स्कूल से पढ़ लेते हैं तो उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, अच्छी जॉब्स और करियर मिल सके। हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाए तो एक ऐसे रेट पर हेल्थ केयर हमें मिल पाए जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जहाँ पर रहते हैं हम सेफ और सिक्योर महसूस कर सकें। ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इन सब मुद्दों पर डिसीजंस कौन लेता है? इन सब मुद्दों पर डिसीजंस हमारे पॉलिटिशियंस लेते हैं। और मैं ये नहीं कह रही सारे पॉलिटिशियंस ख़राब हैं, पर अगर हम मोस्टली पॉलिटिशियंस को देखने जाएं, तो कौन जाता है पॉलिटिक्स में? मोस्टली हमारे समाज के सबसे बदतर लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। सो वी हैव लेफ्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ आर लाइफ टू द वर्स्ट पीपल इन आर सोसाइटी। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हम देखते हैं कि हमारे देश का इतना बुरा हाल है या हमें लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आम आदमी पार्टी वॉज फॉर्म्ड एंड सो मेनी ऑफ अस
came into politics from our careers and reasonably comfortable lives. 24/7 bijli aati hai. Kuch din pehle ek aise program mein main Preet Vihar mein thi, to stage pe aise generally 4-5 log baithe hote hain. To unme se ek vyakti the jinka inverters aur batteries ka business hai. To unhone usme end mein kaha ki aapki baat bilkul sahi hai. आप लोगों की सरकार की वजह से हमारा बिजनेस दिल्ली में बंद हो गया है कि अब हमें इन्वर्टर्स और बैटरीज हम सिर्फ यूपी में बेचते हैं दिल्ली में वी हैव हैड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज वी कांट वी डोंट सेल इन्वर्टर्स एंड बैटरीज एनीमोर तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को कहीं से कोयले की खदान मिल गई जो हमने 24/7 हम बिजली बना रहे दे रहे हैं या हम सस्ती बिजली दे पा रहे हैं हमारे में और पुरानी सरकारों में और पुरानी पार्टियों में क्या अंतर है वो भी और स्टेट से बिजली खरीद रहे थे हम भी और स्टेट से बिजली खरीद रहे हैं फर्क सिर्फ इतना है कि बिजली कंपनियों का पैसा हमारी जेब में नहीं जा रहा सिर्फ इतना सा अंतर एंड दैट इज द रीजन वाई आज 24/7 बिजली आती है दैट इज द रीजन वाई आज पूरे दिल्ली पूरे देश में रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे किया था कि पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन वाटर सप्लाई में पानी का बिल हाफ किया गया हमें लोग कहते थे कि जी सब्सिडीज हैं पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं बट 700 लीटर पानी फ्री देने की वजह से हम पूरी दिल्ली में जो मीटर्ड कनेक्शंस हैं उसकी संख्या हमने पूरी दिल्ली में बढ़ाई है आज वर्चुअली इलीगल मीटर्ड इलीगल कनेक्शंस खत्म हो गए हैं 700 लीटर तक के पानी की सब्सिडी देने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट टाइम जब से बोर्ड बना है हैज एक्चुअली गॉन अप एंड दिल्ली जल बोर्ड इज रनिंग इन प्रॉफिट रादर देन अ लॉस मोर देन 400 कॉलोनीज अक्रॉस द सिटी हैव गॉट पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हैव बीन टू मेजर एरियाज जिसपे हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है 4 साल पहले आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सरकारी स्कूल देखे थे मैंने तो नहीं देखे थे मैं तो दिल्ली में रहती थी हमारी दिल्ली में इतना बढ़िया हमने देश में क्लास डिवाइड बना के रखा हुआ है कि हम जैसे लोगों को शायद सरकारी स्कूल देखने का अक्सर मौका भी नहीं मिलता था लेकिन मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार 4 साल पहले एक सरकारी स्कूल में गई थी जब आप स्कूल के अंदर घुसिए आपको गेट से टॉयलेट की बदबू आती थी ये होता था सरकारी स्कूल और वो टॉयलेट जो 50 मीटर की दूरी से बदबू कर रहा था क्योंकि इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज होती थी उसी टॉयलेट के बाहर क्लासरूम में 50 बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते थे क्योंकि क्लासरूम नहीं होते थे बच्चे गंदे क्लासरूम्स में बैठते थे फर्श पे बैठते थे क्योंकि डेस्क नहीं होते थे खिड़कियाँ टूटी हुई होती थी लाइटें टूटी हुई होती थी पंखे टूटे हुए होते थे टीचर्स अक्सर क्लासरूम से बाहर होते थे चाहे पल्स पोलियो की ड्रॉप्स डालने के लिए चाहे आधार कार्ड सीडिंग करने के लिए चाहे सेंसस के लिए और इसका मतलब क्या था व्हाट डिड दिस मीन व्हाट डिड दिस अमाउंट टू देखिए कौन भेज रहा था अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एक गरीब परिवार एक लोअर मिडिल क्लास परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा था और अगर सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था इट बेसिकली मेंट कि एक गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहने वाला था उसको सोशल मोबिलिटी की आगे बढ़ने की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सो हमने उस बच्चे का फेट और डेस्टिनी 3 साल की उम्र पे तय कर लिया था जब वो नर्सरी में एडमिशन लेता था अगर उसके पेरेंट्स के पास पैसे थे एक अच्छे महंगे स्कूल की फीस देने के तो उस बच्चे का अच्छा फ्यूचर था अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो वो बच्चा फोर्स होता था मैकेनिक बनने के लिए ड्राइवर बनने के लिए कारीगर बनने के लिए देखिए किसी समाज में ड्राइवर कारीगर मैकेनिक बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हर सोसाइटी को चाहिए लेकिन किसी की मजबूरी नहीं होनी चाहिए एंड यही सरकारी स्कूलों में 4 साल में इतना बड़ा चेंज आया है आज आप अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की जो नई बिल्डिंग्स बनी हैं उनको देखने जाइए वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स को पीछे छोड़ देती हैं नॉट जस्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मेजर एक्सपेंशन हुआ है जब आम आदमी पार्टी को इलेक्ट किया था आप लोगों ने तब दिल्ली में कुल मिला के गवर्नमेंट स्कूल्स में 17,000 क्लासरूम्स थे बिल्ट फ्रॉम लाइक इंडिपेंडेंस टू नाउ ऑलरेडी पिछले 4 साल में 8,000 नए कमरे बन गए हैं और 12,000 कमरे अंडर कंस्ट्रक्शन है सो बाई द टाइम द 5-year tenure ऑफ द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज ओवर
infrastructure of Delhi government schools would have gone up from 17,000 classrooms to 36,000 classrooms. And not just ke infrastructure expand hua hai, agar aap uski quality dekhiye. Pehle jab ek bachcha ek toote-phoote sarkari school mein jata tha, to usko ye lagta tha ki bhai main to second class citizen hu. Future to un bachchon ka hai jo chamakte hue school mein jate hain. Today, जब एक बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है उसमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है क्योंकि आज उसके बैठने के लिए अच्छे डेस्क हैं, आज उसके पास स्कूल में अच्छा ऑडिटोरियम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, आज सरकारी स्कूल के टीचर्स को देश विदेश में बेस्ट जगह में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है. एंड इसी सब का नतीजा है कि पिछले दो सालों से गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लास 12 के रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से बेटर आ रहे हैं. इसी सब का नतीजा है कि इन द लास्ट टू ईयर्स More than 300 students from Delhi government schools have cleared the IIT JEE exam and got an admission into some of the best engineering colleges across the country. And what does this mean? This means ki pehli baar ek gareeb parivar ke bacche ko aage badhne ka mauka mil raha hai. Aur ye sab kyun hua? Ye aapke us vote ki wajah se hua jo aapne 4 saal pehle Aam Aadmi Party ko dala tha. तो आज सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है अरविंद केजरीवाल ने बदल दिए, मनीष सिसोदिया ने बदल दिया, आतिशी ने बदल दिया, आम आदमी पार्टी ने बदल दिया. ये सरकारी स्कूल आपके वोट ने बदले. सेम फॉर हेल्थ केयर. आज कुछ समय पहले तक आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हालत, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत देखिए तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता था क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में बाकी सब तो छोड़िए इतनी गंदगी होती थी कि ये लगता था कि एक बीमारी लेके जा रहे हैं तो चार बीमारी लेके वापस आ जाएंगे. और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इतने अनरीजनेबल कॉस्ट कि एक परिवार के एक सदस्य की एक बीमारी में पूरे परिवार की सेविंग्स खत्म हो जाती है. टुडे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव इम्प्रूव्ड. आज हर टेस्ट फ्री होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हर दवाई फ्री मिलती है. हमारे एक फ्रेंड ने अभी रिसेंटली बैंगलोर से दिल्ली मूव किए हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर है, तो उन्हीं के अपार्टमेंट्स में उनके बगल के घर में एक डोमेस्टिक वर्कर है, उनके घर आई थी कुछ अपनी मेडिसिन के लिए वो लेके इंक्वायरी, तो शी सॉ हर प्रिस्क्रिप्शन एंड उसमें चार दवाइयाँ लिखी हुई थी जिसमें से एक दवाई का खर्च होता 70,000 रुपये महीने. एंड ये देख रही थी तो इन्होंने उन्हें बोला कि भाई तुम तो तीन ही दवाई ले रही होगी, ऑब्वियसली तुमको लगा 70,000 रुपये तो इनकी एनुअल इनकम नहीं होगी परिवार की. तो शी सेड नहीं दीदी मैं तो चारों दवाई ले रही हूँ. हमारी फ्रेंड की वाइफ भी बड़ी अस्टाउंडेड थी कि भाई हाउ आर यू अफोर्डिंग दिस. सो शी सेड कि मेरा इलाज दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है और मुझे 70,000 रुपये महीने की दवा फ्री में मिल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से. एंड नॉट जस्ट दिस, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम लोग एक ही पॉलिसी लेके आए हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और आपको एक महीने से ज़्यादा की डेट मिलती है इलाज करवाने के लिए, तो गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि आप अपना इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाइए, पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, पैसा दिल्ली की सरकार देगी चाहे लाखों रुपए का खर्च आ जाए. सो टुडे हर सिटीज़न को अच्छी हेल्थ केयर का एक्सेस मिल रहा है. आप ही लोगों के इलाके में दो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, एस्कॉर्ट्स और अपोलो. मुझे नहीं लगता यहाँ पे कभी 10 लोगों ने भी EWS में इलाज कराया होगा आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनने से पहले. शायद किसी को पता भी नहीं होता था कि यहाँ पे EWS में इलाज होते हैं. और अब पिछले 4 सालों में मुझे लगता है इस एरिया के हजारों लोगों ने EWS में ऑलमोस्ट एट नो कॉस्ट वहाँ पे अपना इलाज करवाया है, अपोलो में, एस्कॉर्ट्स में, और हाई क्वालिटी हेल्थ केयर को एक्सेस किया. फिर मोहल्ला क्लिनिक्स हैज़ बीन अनदर इनोवेशन. Today, primary healthcare provided by Mohalla clinics is being praised across the world. तो आज जब एक अच्छी हेल्थ केयर का एक्सेस मिल रहा है, वो भी मैं कहूँगी कि हमने नहीं किया. इट्स नॉट एज इफ कि वो अरविंद केजरीवाल ने किया, वो सत्येंद्र जैन ने किया, वो आम आदमी पार्टी ने किया. आज जो ये हेल्थ केयर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये आपकी वोट की वजह से हुआ है. क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी को वोट किया, दैट इज़ द रीज़न बिजली सस्ती हुई, 24 घंटे आई, पानी फ्री हुआ, एजुकेशन अच्छी मिल रही है, हेल्थ केयर अच्छी मिल रही है. ये हमारे वोट की पावर है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आज जब हम अपने लोकसभा के इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक दिस डिसीजन
कि व्हाट इज इट दैट दिस वोट इज गोइंग टू ब्रिंग अस. मुझे लगता है कि जो आने वाला लोकसभा इलेक्शन है जब हम वोट डालने जाएं, इसे दो नज़रिए से देखने की ज़रूरत है. एक दिल्ली वाले होने के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि इस इलेक्शन का वोट पर दिल्ली पर क्या असर पड़ता है, और दूसरा एक भारतीय नागरिक होने की दृष्टि से भी देखने की ज़रूरत है कि व्हाट इम्पैक्ट डज दिस वोट हैव ऑन नेशनल पॉलिटिक्स. अगर हम दिल्ली के नज़रिए से देखने जाएँ तो आप सबने देखा है कि पिछले चार साल में एक तरफ तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट रही है और दूसरी तरफ वो प्रेम रहा है जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता रहा है, जहाँ पे हमारे हर काम को रोकने की कोशिश की गई है. एंड आज अभी मुनीश जैसे बता रहे थे कि आज मेरे ही डिसमिसल की 1 ईयर एनिवर्सरी है, तो एक एडवाइज़र जो फुली क्वालिफाइड फॉर द जॉब आई एज होल्डर ऑफ अ मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी वर्किंग ऑन अ 1 रुपी सैलरी, एक ऐसे एडवाइजर को रिमूव करना बस वेंचफुलनेस दिखाता है कि भाई हम आपको काम नहीं करने देना चाहते. इसमें कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं बनता कि कई बार करप्शन का एलिगेशन बन सकता है, पैसे बना रहे हो, पार्टी के लोगों को सरकारी पैसे पे रख दिया है, सरकारी रिसोर्सेज दे रहे हैं. पर अगर कोई 1 रुपए की सैलरी पे क्वालिफाइड पर्सन काम कर रहा है और आप उन्हें हटा रहे हैं, वो एक सिंपल सी बात दिखाता है कि आप काम नहीं करने देना चाहते. अभी हम एक जब मैं गाड़ी में आ रही थी तो हमारे साथ एक जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके काम रोके, आप 3 एग्जांपल्स दे सकती हैं क्या? मैंने कहा मैं आपको 20 एग्जांपल्स दे सकती हूँ अगर आप चाहें. एंड द लिस्ट इज एंडलेस, फ्रॉम नॉट अलॉटिंग लैंड फॉर हॉस्पिटल्स, फ्रॉम स्टॉलिंग CCTV कैमराज का इंस्टॉलेशन, टू प्रिवेंटिंग लाइक चीप प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल्स, CCTV कैमराज, डोर स्टेप डिलीवरी को रोकना. ये पिछले 4 साल से हम देखते आए हैं. नाउ ये क्यों हो रहा है? ऑफकोर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि BJP हमें पसंद नहीं करती है, पर ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दिल्ली का गवर्नेंस स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड और ख़राब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका इंटरफेयर करना उसमें बहुत आसान हो जाता है. इनफैक्ट अगर आप दिल्ली का गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखने जाइए तो मेरी अपनी रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि पूरे दुनिया में इतना ख़राब और कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा फॉर सच ए लार्ज पॉपुलेशन. दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं. दिल्ली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20 मिलियन पीपल. दिस इज़ मोर देन मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. बहुत सारे देशों में इतनी आबादी नहीं है जितनी दिल्ली में है. लेकिन यहाँ पे MCD एक गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो मेरे घर के बाहर अगर कूड़ा पड़ा हुआ है और उसकी सफाई नहीं हो रही है और MCD रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मेरा काउंसलर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सो व्हाट इज़ माय नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल? इज द सेंट्रल मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट. रियली, इज द सेंट्रल मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट इंटरेस्टेड इन अ पाइल ऑफ गार्बेज नेक्स्ट टू तिकोना पार्क? नो, दे आर नॉट. आपकी एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन MCD के अंडर आती है, सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली सरकार के अंडर आती है. आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर MCD के अंडर आती है, आपकी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर दिल्ली सरकार के अंडर आती है. आपकी 60 फुट से बड़ी सड़क का मेंटेनेंस दिल्ली सरकार के पास आता है, आपकी अंदर की कॉलोनी की सड़कें MCD के पास आती हैं. आपकी सीवर दिल्ली सरकार के पास आता है, आपकी नालियाँ MCD के पास आती हैं. आपकी स्ट्रीट लाइट अगर ख़राब है और आपकी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, देर कुड बी 14 डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग दैट आउट, 7 डिफरेंट रोड ओनिंग एजेंसीज डिपेंडिंग ऑन वेयर दैट लाइट इज. अगर उसका नीचे का सीमेंट वर्क खराब है तो वो एक डिपार्टमेंट ठीक करेगा. अगर उसका खंबा खराब है तो दूसरा डिपार्टमेंट ठीक करेगा. अगर उसका वायर में प्रॉब्लम है तो वो तीसरा डिपार्टमेंट ठीक करेगा. और अगर बल्ब बदलना है तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ESL करके एजेंसी है जो आज पूरी दिल्ली में LEDs लगाती है, सिर्फ वही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता. नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर अ सिटीजन? दिस मीन्स एवरीडे हैरेसमेंट फॉर अ सिटीजन. और हम ये देखते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है ना, मुझे लगता है कि जब भी हमसे कोई सवाल पूछने आ, कोई काम लेके आता है, मुझे लगता है मैं पिछले 4 साल से हम और हमारे MLA सिर्फ यही समझाते रहते हैं जी ये वाला MCD में आता है, ये वाला DDA का है, ये वाला दिल्ली पुलिस का है, ये इस डिपार्टमेंट का है. और उसमें लोग हमें कहते हैं जी हमें नहीं पता, हमने आपको वोट दिया था, आप ठीक करो. हम कहते हैं जी गंदगी है हमारे घर के बाहर. फिर हम कहते हैं जी वो MCD के अंडर आता है. कहते हमें नहीं पता, हमने अपने काउंसलर को नहीं देखा, BJP वाले, हमने आपको वोट दिया था, आप ठीक करो, आप सफाई करो. हमारे घर में चोरी हो गई है,
तो फिर हमारे एमएलए कहेंगे जी पुलिस हमारे अंडर नहीं आती, तो कहते हमें नहीं फर्क पड़ता, आप इस मामले को सुलझाओ। बिकॉज जब लोग वोट देने जाते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम किसी को चुनेंगे दे हैव द पावर टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम्स और द वंस दैट वी आर फेसिंग ऑन अ डेली बेसिस। और देश भर में ये होता भी है, जब हरियाणा वाले वोट देने जाते हैं वो जिस गवर्नमेंट को चुनते हैं वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, जब यूपी वाले वोट देने जाते हैं वो जिस गवर्नमेंट को चुनते हैं वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, जब तमिलनाडु वाले वोट देने जाते हैं वो जिस गवर्नमेंट को चुनते हैं वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, पर वाई इज इट दैट जब दिल्ली वाले वोट देने जाते हैं हम जिस गवर्नमेंट को चुनते हैं उसके पास द वर्चुअली आज के दिन में इतनी लिमिटेड पावर है और उसका कॉन्सिक्वेंस हम एज सिटीजन्स फेस करते हैं। और मल्टीपल चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली जैसे शहर में कोई भी महिला अंधेरा होने के बाद जब अपने घर से बाहर कदम रखती है तो वह सेफ नहीं महसूस करती, चाहे वो 8 साल की बच्ची हो या 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, ये एक फैक्ट है। अगर हमारे एरिया में मेट्रो स्टेशन के पास कोई किसी लड़की से बदतमीजी करता है तो हम क्या करेंगे? हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस बात नहीं सुनती है। अगर हम उसके आगे जाएंगे, हम एमएलए के पास जाएंगे, एमएलए के पास पुलिस के ओवर पावर नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास पुलिस के ओवर पावर नहीं है। अगर हमारे एरिया में मेट्रो स्टेशन के पास लड़के लड़कियों से बदतमीजी कर रहे हैं, आर वी गोइंग टू टेक दिस मैटर टू द होम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर? एंड डू दे इवन हैव द बैंडविड्थ टू हैव द हियर द कंसर्न्स ऑफ कोई अगर जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के बाहर की प्रॉब्लम लेके आ रहा है? फॉरगेट कौन सी पार्टी पावर में है, I don't want the Prime Minister of my country to be thinking about Jasola Vihar Metro Station. I want the Prime Minister of my country to be thinking about greater and bigger issues facing our country. लेकिन ये मुद्दे तब तक नहीं सुलझते हैं चाहे साफ सफाई हो, सिक्योरिटी हो। कॉलेज एडमिशन से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में आज हमारे जब बच्चे 12वीं पास करते हैं कॉलेज में एडमिशन मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक समय ऐसा था कि 60% नंबर पर लड्डू बटते थे, फर्स्ट डिवीजन आती थी तो लड्डू बांटा करते थे घर वाले, और आज ऐसा समय आ गया है कि अगर हमारे घर में किसी बच्चे के 80% नंबर आ जाए ना बोर्ड एग्जाम्स में तो पूरे परिवार में डिप्रेशन का माहौल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का फ्यूचर ख़त्म हो गया, 80% मार्क्स पे कहीं पर एडमिशन ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि दिल्ली में यूनिवर्सिटी सिर्फ कॉलेजेस वाली यूनिवर्सिटी सिर्फ केंद्र सरकार खोल सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट को पावर नहीं है फुल स्टेट होने की वजह से। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट प्रोहिबिट करता है कोई और कॉलेजेस किसी को खोलने देने से। जो दिल्ली में कॉलेजेस हैं इसमें देश भर से बच्चे आते हैं। तो अच्छा, जब हमारे बच्चे बैंगलोर में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं दे आर ओनली कम्पीटिंग फॉर 15% ऑफ सीट्स बिकॉज वहाँ पे 85% सीट्स आर फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका। व्हेन आवर चिल्ड्रन अप्लाई टू बॉम्बे दे आर ओनली कम्पीटिंग फॉर 15% सीट्स बिकॉज 85% सीट्स गो टू चिल्ड्रन फ्रॉम महाराष्ट्र। लेकिन जब दिल्ली में एडमिशन की बात होती है तो देश भर से सारे लोग सब सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन आज दिल्ली के सरकार के पास पावर नहीं है कि वो नए कॉलेजेस खोल सके। हम 28 कॉलेजेस को दिल्ली यूनिवर्सिटी में फंड करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट। हमने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि उनमें 85% सीट्स दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व कर लो बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन दिल्ली। वो हो नहीं सकता क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी है और ये फुल स्टेट नहीं है इसलिए वहाँ पे नहीं रिजर्व हो सकता। क्योंकि दिल्ली फुल स्टेट नहीं है आप नए कॉलेज भी नहीं खोल सकते। सो, अब देखिए दिल्ली वाले बहुत सालों से परेशान हैं और बार बार हमें कहा जाता है कि जी दिल्ली क्योंकि सेंट्रल दिल्ली कैपिटल है देश का इसलिए फुल स्टेटहुड नहीं मिल सकती। तो हमारा ये कहना है कि जो सारी इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं वो एक 3-4 किलोमीटर के दायरे में नई दिल्ली के इलाके में आती हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एम्बेसीज हो, एक्सेट्रा। उस एरिया को नेशनल कैपिटल निर्धारित कर दिया जाए एंड लेट द सेंट्रल गवर्नमेंट रन दैट फ्रॉम सिक्योरिटी टू डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स टू रोड्स टू वाटर टू सीवर लाइन्स टू एवरीथिंग। पर जो बाकी की दिल्ली की 18 मिलियन की आबादी है, 2.25 करोड़ की आबादी है, उनको एक प्रॉपर गवर्नेंस की ज़रूरत है। तो इस बार का इलेक्शन मुझे लगता है दिल्ली वालों के लिए एक फुल स्टेटहुड के डिमांड के आवाज़ का इलेक्शन है और हमें लगता है कि हमें दिल्ली की आवाज़ को देश के पार्लियामेंट तक पहुंचाना ज़रूरी है। एंड
इस बार जब हम आपसे वोट मांगने आए हैं, हमने पिछली बार कहा आपको कि हमें वोट दे दीजिए, तो हमने बिजली सस्ती कर दी, पानी सस्ता कर दिया, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। इस बार हम दिल्ली की गवर्नेंस को ठीक करने के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं। बिकॉज देखिए, आज सब लोग ये बात तो मानते हैं कि 2020 में फिर से इलेक्शन होगा तो अरविंद केजरीवाल विल बिकम द चीफ मिनिस्टर अगेन। बट नो चीफ मिनिस्टर विल बी एबल टू वर्क प्रॉपरली टिल दिल्ली गवर्नमेंट हैज फुल पावर्स। तो इस इलेक्शन में हमारा ये मानना है कि दिल्ली वालों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए वोट करना ज़रूरी है क्योंकि हम ये तय करके जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट में दिल्ली के लिए झगड़ा करने जा रहे हैं, दिल्ली के अधिकारों के लिए झगड़ा करने जा रहे हैं। एंड आम आदमी पार्टी वालों को और कुछ आता हो ना आता हो, झगड़ा करना ज़रूर आता है। तो एंड नॉट जस्ट कि हम झगड़ा करने की बात कर रहे हैं, हमने देश भर में ऑपोजिशन लीडर से, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे SP BSP हो, वी हैव बीन गार्नरिंग देयर सपोर्ट फॉर फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली। सो इफ वी आर एबल टू सेंड 7 MPs फ्रॉम दिल्ली इनटू द पार्लियामेंट, एंड आम आदमी पार्टी विल ऑल्सो हैव सम MPs फ्रॉम पंजाब एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज पार्टीज। वैसे भी देखिए, इस बार ये एक चीज़ क्लियर है कि किसी एक पार्टी की सरकार तो बननी नहीं है, तो 7-8 सीटें जो दिल्ली की हैं, वी माइट इवन गेट फुल स्टेटहुड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज आम आदमी पार्टी इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीवन सेइंग कि जी हमें एक मिनिस्ट्री दे दो। हम तो बस एक सीधी सी बात कहेंगे कि जी हम उस सरकार को सपोर्ट करेंगे जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देती है। सो इसलिए जो इस बार का आपका वोट है, हम चाहते हैं कि दिल्ली के फुल स्टेटहुड के लिए एज दिल्लीआइट्स होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी भी ज़रूरी बात है, आई थिंक दैट वी आर नॉट जस्ट दिल्लीआइट्स, हम इस देश के भी सिटीजन्स हैं, और देश के सिटीजन्स होने के नाते जो देश में पिछले 5 साल में हाल हुआ है वो हम सबके लिए कंसर्न का मुद्दा है। पिछले 5 साल में, मतलब इस हिंदी में एक फ्रेज होता है बेड़ा गरक होना, आई थिंक वो इस 5 साल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि इस 5 साल में इस देश का बेड़ा गरक हो गया है। एंड ऑन एवरी काउंट, आप देश की इकोनॉमी देखिए, डीमोनेटाइजेशन, GST, दिल्ली में सीलिंग हो गई, देश की इकोनॉमी ठप है। कहाँ एक तरफ करोड़ों नौकरियों की बात हुई थी, कहाँ अभी NSSO का डेटा छुपाते फिर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी अबाउट हाउ मच लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज एक्चुअली हैपेंड। चाहे आप आज देखिए कि दिल्ली में सीलिंग की वजह से ट्रेडर्स पूरे दिल्ली में परेशान हैं, पूरे देश में परेशान हैं GST डीमोनेटाइजेशन की वजह से। बट मुझे लगता है कि इकोनॉमी अगर हमारी नीचे जाती है, हम देश में इकोनॉमिक पॉलिसी बदलेंगे तो शायद ठीक भी हो जाए, दैट इज़ अ ट्रेंड दैट वी कैन पॉसिबली रिवर्स। पर जो पिछले 5 साल में इस पूरे देश में जो नफरत का माहौल बना है, मुझे लगता है ये हमारे देश के लिए सबसे डेंजरस चीज़ है। चाहे वो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की बात हो, चाहे वो एक कास्ट को दूसरी कास्ट से लड़ाने की बात हो, चाहे देश के एक हिस्से के लोगों को दूसरे हिस्से के लोगों से लड़ाने की बात हो, मुझे लगता है कि हमारे देश ने इतना ज़्यादा हेट्रेड, इतना ज़्यादा पोलराइजेशन कभी नहीं देखा। और अगर ये BJP की, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार वापस आती है तो वो इस देश का क्या हाल करेंगे, वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। पूरी देश की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर दिया गया है। आज मीडिया इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है, आज इलेक्शन कमीशन इनके सुविधा के अनुसार डेट्स अनाउंस करती है, आम आदमी पार्टी के MLAs को जब डिसक्वालीफाई करने की बारी आती है तो वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने लास्ट डे ऑफ ऑफिस में केस को हियर किए बिना साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति महोदय उस ऑर्डर को संडे के दिन अप्रूव भी कर देते हैं। ये आज हमारे देश की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का हाल है। हमारा तो ये मानना है कि अगर मोदी और अमित शाह की सरकार आ गई, 2019 could very well be the last elections we see in our country. Because मोदी और अमित शाह बिल्कुल हिटलर के नक्शों कदम पे चल रहे हैं, और जर्मनी में भी exactly 30s में यही हुआ था। हिटलर इलेक्शन के माध्यम से चुन के आए थे, एक बार वो पावर में आ गए तो उन्होंने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, और जर्मनी में फिर से इलेक्शंस तब हुए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की मौत हो गई। अमित शाह ने भी कुछ महीने पहले नागपुर में एक रैली में ये कहा था कि अगर 2019 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वो 2050 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे।
तो आज ये इलेक्शन हमारे लिए आई डोंट थिंक दिस इज लाइक एनी नॉर्मल इलेक्शन. आई थिंक इस इलेक्शन में जब हम वोट अपना डालने जाएं, तो हमें हम सिर्फ 5 साल के लिए वोट नहीं डाल रहे हैं, हम अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए वोट डाल रहे हैं. और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम देश के जिस भी हिस्से के वोटर हों, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें वहाँ पे वोट ऐसे कैंडिडेट को, ऐसी पार्टी को डालना है जो वहाँ पर बीजेपी को हरा सकती है. लेकिन हमें ये भी पता है सबको कि ये एक फैक्ट है कि पूरे देश भर में कोई ऐसी सिंगल पार्टी नहीं है जो बीजेपी को हरा सकती है. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टियाँ हैं जो बीजेपी को हराने का मादा रखती हैं. फॉर एग्जाम्पल यूपी में आज या कल में पोलिंग का एक फेज था, तो अगर आप यूपी में देखिए बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोलिशन हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता. सो इफ यू आर यूपी वोटर्स, तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट. हमारे एक जानकार है वहाँ पे, उन्होंने उनसे बात हो रही थी तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूँ. ऐसे अभी आँख बंद करके कोलिशन को डाल के वोट जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना जरूरी. अगर हम वेस्ट बंगाल के वोटर होते तो हमारी क्या जिम्मेदारी थी, फिर हमें अपना वोट ममता बनर्जी को देना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ ममता बनर्जी बीजेपी को हरा सकती. अगर हम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में वोटर होते, और मैं कई साल भोपाल में रही हूँ, मेरे अपने सारे अपने भोपाल में जानकारों को मैंने खुद बोला है कि भाई अपना वोट कांग्रेस को देना, मतलब हमसे ज़्यादा कांग्रेस का कोई विरोधी नहीं होगा. बट उन तीनों स्टेट्स में सिर्फ कांग्रेस है जो बीजेपी को हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकती. बट अगर हम दिल्ली की 7 सीट में देखने जाएं, तो अगर कोई एक पार्टी है जो इन 7 सीट्स पे बीजेपी को हरा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है और कोई नहीं हरा सकता. तो हम दिल्ली वाले होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें अपना सबको अपना एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को देना चाहिए अगर हमें लगता है कि बीजेपी को हराना है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी अगर आप देखिए पूरे दिल्ली में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है. पूरे दिल्ली में जो आरएसएस बीजेपी वाले हैं, चाहे वो पार्क्स पे हो, चाहे वो चाहे से बहुत सारी पॉलिटिक्स सुबह पार्क्स में चलती है, तो पार्क में सबको ये पता होता है जी ये आम आदमी पार्टी वाला है, ये कांग्रेस वाला है, ये बीजेपी वाला है. तो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि पार्क्स में जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, वो आजकल कांग्रेस के सपोर्ट में बात करते हैं. तो वो आजकल ऐसी बात कहते हैं कि देखो जब दिल्ली का चुनाव आए तो केजरीवाल को वोट दे देना, क्योंकि केजरीवाल ने अच्छा काम किया. लेकिन ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है और केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनने नहीं वाला, तो इस बार कांग्रेस को वोट दे दो, राहुल को वोट दे दो. ये आरएसएस ने पिछले कुछ महीने से पूरी दिल्ली में डिस्कोर्स फैलाया हुआ है. तो हम भी सोच रहे थे कि जी आरएसएस वाले बीजेपी, ये कांग्रेस का प्रचार क्यों कर रहे हैं. आरएसएस बीजेपी वाले कांग्रेस के फेवर में इसलिए कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली की 7 सीट पर कांग्रेस जीत नहीं सकती है. पिछले 4 इलेक्शंस जो दिल्ली में हुए हैं जब से आम आदमी पार्टी आई है, तब से कांग्रेस 3rd नंबर पर सारे इलेक्शंस में रही है. 2013 असेंबली इलेक्शंस कांग्रेस 3rd प्लेस पर थी, 2014 लोकसभा इलेक्शंस कांग्रेस 3rd प्लेस पर थी, 2015 असेंबली इलेक्शंस कांग्रेस 3rd स्थान पर थी, 2017 एमसीडी इलेक्शंस कांग्रेस 3rd पोजीशन पर थी. सो बीजेपी वाले ये चाहते हैं कि अगर वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में स्प्लिट हो गया तो बीजेपी उससे 7 सीटें जीत जाएगी. अगर आप पिछली बार के लोकसभा इलेक्शंस का अरिथमेटिक देखिए, सो बीजेपी गॉट 46% वोट्स, आम आदमी पार्टी गॉट 33% वोट्स एंड कांग्रेस गॉट 15% वोट्स. आज सबको ये पता है कि बीजेपी का ग्राफ नीचे आया है, तो बीजेपी का कम से कम 10% वोट शेयर नीचे आएगा. सो बीजेपी 46 से आ गई 36. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 10% वोट कहाँ जाएगा, उसी से डिसाइड होगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा. अगर ये 10% वोट आम आदमी पार्टी को जाता है, सो फिर द वोट शेयर स्टैंड्स एट बीजेपी को 36% मिलेंगे, आम आदमी पार्टी को 43% मिलेंगे और कांग्रेस को 15% मिलेंगे. तो 7 सीट आम आदमी पार्टी जीत जाएगी. लेकिन अगर ये 10% वोट शेयर कांग्रेस को चला जाता है,
तो कांग्रेस के 15% वोट आए थे, वो 10% बढ़ भी जाए तो वो 25% हो जाएंगे. कांग्रेस 25, आम आदमी पार्टी 33 एंड बीजेपी 36. तो 10% वोट कम होने के बावजूद बीजेपी सातों सीट जीत जाएगी. दैट इज द रीजन वाई बीजेपी आरएसएस वाले आजकल पूरी दिल्ली भर में कांग्रेस के फेवर में कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर वोट जो दिल्ली में कांग्रेस को गया वो बीजेपी को जिता रहा. एवरी वोट फॉर कांग्रेस इन दिल्ली इज अ वोट फॉर मोदी एंड अमित शाह, ये उनको पता है. एंड इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है. सो टुडे आई हैव कम टू यू नॉट जस्ट बिकॉज आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शंस और आम आदमी पार्टी इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस. टुडे आई हैव कम टू यू बिकॉज हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम जहाँ पर भी देश में वोटर हैं हमें वहाँ पर बीजेपी को पार्टी लाइन से हट के बीजेपी को हराने के लिए वोट देना ज़रूरी है. तो आप लोगों ने पहले भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इलेक्शन में भी आप करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास देखिए बीजेपी और कांग्रेस की तरह पैसे नहीं है. आप ही लोग हमारी इलेक्शन मशीनरी हैं, हमारी पब्लिसिटी मशीनरी है. सो जैसे आज हम लोग यहाँ पे आपसे बात करते हैं कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सपोर्ट में आप यही बात जाके अपने सब जानकारों को अपने नेबरहुड में अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करेंगे. क्योंकि टुडे एज कंसर्न्ड सिटीजंस इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पिछली बार बीजेपी के दिल्ली में 7-on-7 आए थे, रिड्यूसिंग देम टू 0-on-7 इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. थैंक यू. आप लोगों में से किसी का भी कोई सवाल हो, गुड. बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी जी अपने लेक्चर के लिए. और अब सवाल हम कुछ लेंगे. सवाल से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि सवाल छोटा रखें और पहले अपना इंट्रोडक्शन दें. यहीं आ जाएं, इधर दो दो तीन तीन कर. आप वहीं से पूछ लीजिए. हाँ बेटर इधर. हेलो, यस, My name is Kamil. I was a former journalist and a corporate executive. I'm on a sabbatical. I'm, of course, a supporter of Aam Aadmi Party, but I have some questions for you. One is, how long will your negotiations with Congress and AAP go on? I mean, yes, every negotiation has a cut-off date. And, of course, it will be creating confusion in the BJP ranks because they can't put out the candidates. But they, you know, eventually you'll have to show you're confident enough to go on its own because it's, you know, it's dragging on too long. That's my first question. My second question is going to be brief. So you talk about full statehood, but we're not there yet. And, you know, it's not necessary. It's going to be the next government's going to rush and give you full statehood. So as parliamentarians, what more are you going to do, not just for full statehood, but actual tangible work like you've already done in Delhi? That's my two questions. Thank you. ये अलायंस वाला सवाल इज लाइक द एलिफेंट इन द रूम, तो इसलिए पहले उस सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ. एंड बाकी फिर सवाल जो आपका अगला सवाल है एमपीज वाला, उनको और सवालों के साथ क्लब कर लेंगे, क्योंकि आई एम श्योर ये सभी इस पे जानना चाहते हैं. देखिए, हमें कांग्रेस पसंद नहीं है. फ्रेंकली हमारी पार्टी की शुरुआत ही हुई थी जो कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, वहीं से आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी. और मैं फ्रेंकली मानती हूँ अगर हम दिल्ली के हालात को देखें कि जो हमें दिल्ली विरासत में मिली कांग्रेस से, चाहे एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर, रोड, सीवरेज एक्सेट्रा, तो कांग्रेस की पार्टी ने क्या किया है दिल्ली में और देश में वो हमने देखा है. लेकिन हम शुरू से अलायंस के लिए पिछले 8 महीनों से कोशिश कर रहे थे. इसलिए नहीं क्योंकि हम कांग्रेस से अलायंस करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो जाता है तो चाहे दिल्ली में हो चाहे हरियाणा में हो, हम हर सीट पर बीजेपी को हरा सकते हैं.
हमने कांग्रेस को प्रपोज किया था अलायंस इन हरियाणा दिल्ली पंजाब एंड चंडीगढ़ When Congress did not want an alliance in Punjab and they said कि हम पंजाब अपने आप लड़ेंगे, we said कि इन तीन states पे alliance करते हैं, ये 18 sitting seats BJP की हैं। और अगर इन seats पर alliance हो जाता है, तो 18 सीटों से BJP खत्म हो जाएगी। और 18 अगर opposition की बढ़ती हैं और 18 खत्म हो, उनकी कम होती हैं, तो ये 36 का difference एक deciding factor हो सकता है in the coming Lok Sabha। हम 8 महीने से इस alliance की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी पार्टी हमेशा कैंडिडेट्स बहुत पहले अनाउंस करती है क्यों क्योंकि हमें ग्राउंड बेस्ड कैंपेन करते हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं हमारा एक मनी और मीडिया ब्लिट्सक्रीक वाला इलेक्शन नहीं होता हमने अपने कैंडिडेट्स 8-9 महीने पहले 6 कैंडिडेट्स डिसाइड कर लिए बट दे वर डिक्लेयर्ड ओनली एज लोकसभा इंचार्जेस एंड नॉट एज लोकसभा कैंडिडेट्स फॉर ऑल दीज मंथ्स बिकॉज वी वर ट्राइंग फॉर एन अलायंस विद द कांग्रेस But Congress in all these months, देखिए alliance तो हम तब करेंगे ना जब सामने वाला करने को तैयार होगा. Finally हमने जाके अपने 6 or 7 candidates तब declare किए, जब कुछ महीने पहले शरद पवार के घर पे एक all party meeting में, when Mr. Kejriwal asked Mr. Rahul Gandhi कि भाई हम तो चाहते हैं alliance हो, वहाँ पे सब मौजूद थे opposition leaders, तो Mr. Rahul Gandhi said कि जी हमारे स्टेट यूनिट का असेसमेंट है कि बिना अलायंस के भी हम 3-4 सीटें जीत सकते हैं इसलिए हमें अलायंस की ज़रूरत नहीं लगती उसके करीब हमने फिर भी बातचीत जारी रखी उसके कुछ दिन बाद शीला दीक्षित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे सो जब हमें 2 क्लियर पब्लिक स्टेटमेंट्स मिल गए आफ्टर दैट आम आदमी पार्टी वेंट अहेड एंड सेड कि हमने अपने 7 सीटों पे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए फॉर्मली और हमने अपना कैंपेन शुरू कर दिया उसके बाद कांग्रेस डिड नॉट हैव एनी डिस्कशन विद अस फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ एवरी डे व्हाट यू वर रीडिंग इन द न्यूज़पेपर्स वर जस्ट मीडिया प्लांट्स देयर वाज नो कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन कभी एक मीडिया प्लांट एक फिगर कोट करता था कभी दूसरा फिगर कोट करता था हमसे जब लोग पूछते थे जी कितने पे तय हुआ कहेंगे जी तय तो तब होगा जब वो हमसे बात करेंगे अगर वो बात ही नहीं करेंगे हमसे तो कैसे कुछ डिसाइड होगा हम आज भी देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन अलायंस द पर्पस ऑफ एन अलायंस इज टू कीप बीजेपी आउट ऑफ एज मेनी सीट्स एज पॉसिबल बट टुडे माय वरी इज व्हेन आई लुक एट द कांग्रेस पार्टी कि दे आर फार मोर कंसर्न्ड अबाउट हमारी एक सीट यहाँ हमारी 2 सीट वहाँ कुछ दिन पहले आपने तेजस्वी यादव का भी ट्वीट देखा होगा When he said, पूरे देश में आग लगी है लेकिन कुछ पार्टियां अपनी एक एक दो दो सीटों की नापतोल की वजह से साथ में खड़े होने को तैयार नहीं सो हम तो वी हैव बीन रेडी टू फाइनलाइज एन अलायंस ऑन ऑल दीज 18 सीट्स फॉर द पास्ट 8 मंथ्स बट दैट इंटेंट नीड्स टू एग्जिस्ट ऑन द अदर साइड एज वेल How long are you going to wait? नहीं, we are not waiting. हमने तो 7 candidates announce कर दिए हैं. One of our candidates filed his nomination today. Me and 2 other candidates are filing our nomination day after tomorrow. So that's 3-4 and the 3 more candidates are filing their nomination on Monday. So by Monday, we would have filed nominations for all our 7 candidates. Because we are, हमने तो अपना campaign भी नहीं रोका है, हम तो ground level पे campaign कर ही रहे हैं. But we have still been open for an alliance because हमें ये लगता है कि हम BJP को फिर, we can rout them from all these 18 seats. And this difference of a 36 can be the difference between who gets to be the Prime Minister of this country. मेरा नाम इकबाल है मैं एक जर्नलिस्ट हूँ आपसे बहुत छोटे छोटे 2 सवाल एक तो ये आपने कहा कि अलायंस आज भी आप लोग तैयार हैं अगर हो जाए तो हालांकि पता नहीं वक्त कम है एक बात पता नहीं वो मीडिया प्लांट है या क्या मैं नहीं जानता लेकिन ये कही जाती रही है कि शीला दीक्षित खुद अलायंस के फेवर में इसलिए नहीं थी कि उनके जो बेटे हैं संदीप दीक्षित की ये सीट रही है और अलायंस में शायद वो सीट कट जाए मुझे नहीं मालूम कि वजह क्या है लेकिन अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो क्या आप खुद या आपकी पार्टी आप विड्रॉ करके कांग्रेस को ये सीट दे सकेंगी कि नहीं एक पहला सवाल
دوسرا سوال ہے کہ خاص کر جامعہ کے علاقے سے جہاں مسلمان ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس کے 4 فارمر ایم ایل ایز نے راہل گاندھی کو ایک خط لکھا اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ایک مسلمان کینڈیڈیٹ آؤٹ آف 7 ہونا چاہیے. یہ ڈیمانڈ عام آدمی پارٹی سے بھی ہوتی رہی ہے, پارٹی کے لیول پہ بھی اور عام. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو بھی کم از کم ایک مسلمان اس پورے دلی میں اپنا ریپرزینٹیٹیو مطلب کینڈیڈیٹ بنانا چاہیے؟ اور اگر آپ نے نہیں بنایا تو کیا کوئی قابل مسلمان نہیں ملا یا آپ کی پارٹی اس طرح سے نہیں سوچتی ہے, کیا وجہ رہی؟ سعیدہ آپا اور اقبال صاحب اور آتشی, بہت اچھا ہے یہ پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے. ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, آئی ہیڈ بین اے ممبر آف کانگریس پارٹی, آئی مین سپورٹر, بٹ آئی کیم ٹو عام آدمی پارٹی سنس دا ویری انسیپشن, ون آف دا فاؤنڈر ممبرس. آئی وش یو آل دا بیسٹ فار دا پارلیمنٹ الیکشن. لیکن یہ بہت ویلڈ سوال ہے جو اقبال صاحب نے بھی کہا اور لوگ نے بھی کہا کہ اگر گٹھ بندھن ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا, نہیں ہو پا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے. اینڈ ایک سوال اور دوسرا کہ آپ پارلیمنٹ اگر جائیں گی تو کس بیسک ایشوز کو, امپورٹنٹ ایشوز کو آپ ایڈریس کریں گے؟ آئی نو یو آر ویری گڈ ان ایجوکیشن اینڈ یو ہیو ڈن لاٹس آف ریفارم. آپ اپنے اسپیچ میں آپ ایک چیز بھول گئیں کہ آپ نے جو اسکل ڈیولپمنٹ کا سنگاپور والا کیا, دیٹ از اے ونڈرفل جاب یو آل ہیو ڈن. میرا نام تحریمہ ہے اور میں یہاں غفار منزل میں رہتی ہوں. اور میں نے میرے خیال سے پچھلی بار جب آپ لوگ آئے تھے ایز اے پارٹی تو میں نے ووٹ کیا تھا, پر میں نے ڈیولپمنٹ لاسٹ کے کچھ مہینوں میں دیکھا یہاں پہ. تو آپ جب آئیں گے یہاں پہ, کیونکہ میں آل دا بیسٹ کہتی ہوں, میں وش کرتی ہوں کہ آپ آئیں اور یہاں کے لیے اس ایریا کے لیے کچھ کریں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ, جو حالات یہاں پہ ہیں میں انہیں بدلنا چاہتی ہوں. اس کے لیے میں پرسنلی بہت یہاں ایریا میں کام کر رہی ہوں, مگر میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ میں 101% میں آ کر آپ کو ووٹ دیتی ہوں, تو آپ ہمارے ایریا کے لیے کیا کریں گے؟ تھینک یو. دیکھیے ہمارے پاس سی بی آئی نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, تو اگر الائنس کی ٹاکس ہوتی تو ہم ایک پارٹی تو ہوتے اس میں. تو اس لیے اٹ ڈزنٹ ٹیک اے ڈیٹیکٹیو ایجنسی ٹو نو دیٹ اف دیر ہیز بین نو کانورسیشن اینڈ دیر از اے نیوز پلان فار اباؤٹ آلموسٹ ایز آئی سیڈ قریب 1.5 مہینے کے لیے کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی. صرف میڈیا میں روز خبریں آتی تھیں. ہم دیکھیے سوال یہ ہے کہ اگر بی جے پی کو ہرانا ہے تو وہ دیش بھر سے ہرانا ہے. اگر بی جے پی کو ہرانا ہے تو ان کی لوک سبھا میں میجورٹی آنے سے روکنا ہے. اور اگر وہ ہم انہیں 14 سیٹوں پر ہرا سکتے ہیں تو ہم 14 سیٹوں پر بات کرنے کو کیوں نہیں تیار ہیں؟ کیونکہ نہیں 14 بھی نہیں, اگر ہم 18 سیٹوں پہ انہیں ہرا سکتے ہیں تو ہم 18 سیٹوں پہ بات کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ کیونکہ 18 سیٹوں پر ہار جیت ایک 36 سیٹوں کا ڈفرینس ہوگا بٹوین دی اپوزیشن اینڈ دی بی جے پی. اینڈ دیٹ از دا ریپیٹڈ پوائنٹ دیٹ عام آدمی پارٹی ہیز بین میکنگ کہ اگر دلی ہریانہ چندی گڑھ میں الائنس ہوتا ہے تو ان 18 کی 18 سیٹوں سے ہم بی جے پی کو ہرا سکتے ہیں. تو اس بات کا ابھی تک میرے پاس لاجیکل رسپانس, میرے پاس کوئی لاجیکل جواب نہیں ہے کہ 7 سیٹوں پہ ہم ہرانے کو تیار ہیں پر 18 پر نہیں ہیں. اس کا ابھی تک آئی ڈونٹ ہیو اینی لاجیکل آنسر فار دس کوشچن. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی وی ہیو بین ریپیٹڈلی سینگ کہ ہم الائنس ہریانہ میں بھی چاہتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ابھی بھی شاید اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. دیکھیے یہ شیلا دکشت جی کے بیٹے کی سیٹ ہے, تو شیلا دکشت جی نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا وہ تو شیلا دکشت جی سے ہی پوچھنا ٹھیک ہے کہ انہوں نے الائنس کا ورودھ کیوں کیا. ایسا بھی لگتا ہے کہ کانگریس کا اپنی لوکل لیڈرشپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, چاہے ہریانہ میں ہو چاہے دلی میں ہو, کیونکہ یہ کانگریس کی لیڈرشپ کے لیے ڈیسائسو ڈیسیژن امپورٹنٹ کلیئر ڈیسائسو ڈیسیژن میکنگ کا مومنٹ تھا. کیونکہ اس سے زیادہ ایسی ہسٹوریکل سچویشن کہاں آئے گی جب آپ کو ایک ڈیسائسو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے ہم تو بہت کلیئر ہیں شروع سے کہ بی جے پی کو ہرانا ہے, اس کے لیے جو بھی کرنے کی ضرورت ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ابسولوٹلی دیکھیے وہ تو دیٹس اے ویری کلیئر آر انٹینشن از ہم کیا کر لیں گے 2 لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ کے, 3 لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ کے اگر مودی اور امت شاہ کی سرکار پھر سے آ جاتی. سو دا فائٹ از ناٹ اباؤٹ اینی انڈیویجول,
the fight is much larger than that at this point of time. And Muslim representation. You seem quite keen that she withdraw. You seem very keen that she withdraw. Another agenda. You should be in the parliament. No, but I think his inka jo question hai, it's very clear. This is the reason why. Look, we are working for 8 months on the ground. Lekin phir bhi it's only about a month back that we officially declared our, everyone knew that these were our candidates. But we had all along said these are our Lok Sabha in charges because we wanted that there should be an alliance. And it's only once we got a very clear answer ki alliance nahi hone wala, tabhi humne uska jawab diya. Dekhi, on this question of should there be a Muslim candidate or should there not be a Muslim candidate, मुझे लगता है मैं पर्सनली सोचती हूँ कि मुझे लगता है ये सवाल ये नहीं होना चाहिए. सवाल ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम चुनते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे जो भी सरकार हो, उसने हर समाज के विकास के लिए क्या किया है. एंड आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन दैट वन नीड्स टू आंसर. एंड आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन दैट कांग्रेस नीड्स टू आंसर कि वो 15 साल से जब से वो दिल्ली में सरकार में है, किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, कोई भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हो, और आप देखिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तीन हैं मोस्टली, एक माइनॉरिटीज, दलित्स और महिलाएं. अगर आपको किसी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना है तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन. दीज आर द टू पॉलिसीज दैट कैन ट्रांसफॉर्म, दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग फॉरवर्ड एनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. And that is the question that Congress needs to answer. कि 15 साल तक दिल्ली में उनकी सरकार थी. अरविंद केजरीवाल के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने 4 साल में सरकारी. मैं नहीं कह रही सब कुछ ठीक हो गया. Lot of improvement is still needed. But a fundamental transformation has been brought in Delhi government schools in a matter of 4 years. तो 15 साल जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जिनकी बेटे की ये सीट है apparently, उन्होंने 15 साल क्या किया? So I think that is really the question that we should be looking to answer. कि अगर education और health care में इतना बड़ा change इतने समय में आ सक, अगर आम आदमी पार्टी ला सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं ला सकती थी? और इन सब marginalized communities से, चाहे वो minorities हों, चाहे वो SCs हों, चाहे वो slum dwellers हों, चाहे वो unauthorized colony में रहने वाले, उनसे कांग्रेस वोट लेती आई है, उन्हीं के आधार पर कांग्रेस जीतती आई है, और उन्हीं के लिए कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ नहीं किया. एब्सोल्युटली ऐसे माइनॉरिटीज, उसमें इन सबके वोट पे कांग्रेस हैज बीन विनिंग एंड नॉट डन एनीथिंग फॉर देयर डेवलपमेंट. आप अभी ये बात हो रही थी कि आपने यहाँ का डेवलपमेंट पिछले अभी कुछ साल, कुछ समय पहले ही देखा है. क्यों? क्योंकि इतने सालों में कोई पॉलिसी गाइडलाइंस ही नहीं थी जहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनीज में सरकारी पैसा लग सके. Congress in all these years let these unauthorized colonies illegal construction happen, but jo ek basic infrastructure chahiye, pani ki pipeline, sewer ki line, sadke unki repair, ye 15 saal tak nahi hua. Dekhiye jab flyover banta hai to bahut aasan hota hai flyover ko dekhna, sewer ki line ko itni glamorous cheez nahi hoti hai, but an absence of a sewer line, which was the case in at least half of this city, उससे एक बेसिक डिग्निटी की जिंदगी कोई इंसान जी सकता है. एंड इट हैज टेकन, लेट मी जस्ट आंसर दीज क्वेश्चंस देन आई, एंड इट हैज टेकन ऑल दिस टाइम फॉर अस टू, पहले जो पूरा एमएलए का फंड होता है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो सड़कें हैं, जो कॉलोनीज के अंदर की सड़कें हैं, ये एमसीडी के अंदर आती हैं, सो देयर रोड मेकिंग एंड रोड रिपेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमसीडी. एमसीडी पैसे सारे अपने गबन कर जाती है तो उनके पास पैसे नहीं होते. दिल्ली गवर्नमेंट के फंड वहाँ पे लग नहीं सकते थे. इट इज नाउ आफ्टर मच स्ट्रगल दैट वी हैव बीन एबल टू पास अ स्कीम फॉर स्पेंडिंग दिल्ली गवर्नमेंट मनी ऑन मेकिंग रोड्स, पुटिंग सीवर लाइंस, नालियाँ, पानी की पाइपलाइन एंड अनऑथराइज कॉलोनीज. और उसी का रिसेंटली अभी एक इनॉग्रेशन मिस्टर केजरीवाल हैड ऑल्सो कम टू शाहीन बाग. एंड आई थिंक एज वी स्पीक राइट नाउ अक्रॉस दिल्ली 10,000 internal roads are being constructed in unauthorized colonies, जहाँ पे सीवर की लाइन डल रही है, पानी की पाइपलाइन डल रही है और नालियाँ बन रही हैं. ये दिल्ली के एक बहुत बड़ी आबादी को एक बेसिक डिग्निफाइड जिंदगी देने के लिए
बहुत ज़रूरी रहा। आप लोगों का ये सवाल था कि अगर एमपी बन जाते हैं तो क्या करूँगी मैं, चाहे इलाके के लिए चाहे फुल स्टेटहुड के लिए। देखिए, एक तो फुल स्टेटहुड की लड़ाई हम सबको मिलके, फुल स्टेटहुड इज़ नॉट अ फाइट दैट जस्ट आम आदमी पार्टी हैज़ टू फाइट, ऑल ऑफ अस हैव टू कम टुगेदर इन इट बिकॉज ऑल ऑफ अस आर सिटीजंस ऑफ दिल्ली। अगर हमारे घर में किसी भी मेंबर को अंधेरे के बाद, हमारे घर में अगर इफ एनी चाइल्ड एनी डॉटर ऑफ आर्स गेट्स लेट इन कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज, हम 10-10 बार फ़ोन करते हैं कि कहाँ पहुँचे, किसी को भेज दूँ क्या मेट्रो स्टेशन के लिए, शुड आई सेंड माई ड्राइवर, शुड आई सेंड योर ब्रदर टू पिक देम अप, हम सब करते हैं। टिल आर डॉटर्स कम बैक फ्रॉम कॉलेज फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, हम चैन की सांस नहीं ले सकते। सो इट्स नॉट जस्ट आम आदमी पार्टीज नीड, हम तो अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, हम हार भी गए तो हम अपनी काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जी लेंगे, बट दिस बैटल हैज़ टू बी फॉट बाय ऑल ऑफ दिल्ली बिकॉज द 20 million पीपल हु लिव इन दिल्ली डिजर्व अ सेफ, सिक्योर, क्लीन, वेल मैनेज्ड सिटी, एंड दैट इज़ द फाइट दैट वी इंटेंड टू फाइट इन द पार्लियामेंट। बट द सेकेंड थिंग इज कि इवन ऑन अ डे टू डे बेसिस, अब जैसे DDA है, DDA की जमीन, DDA में MPs होते हैं जो मेम्बर्स होते हैं, हम पिछले 4 साल से DDA से ज़मीन लेने का स्ट्रगल करते हैं, वो हमें ज़मीन नहीं देते हैं। वहाँ पे अभी हम, वेयर माई ऑफिस इज़ माई लोकसभा का जो हमारा कैंपेन ऑफिस है, जब उस रस्ते से आते हैं, कुश्ते वाली सड़क है नियर विकास मार्ग, देर इज़ अ 2-acre प्लॉट ऑफ लैंड विच इज़ लाइंग वेकेंट इवन दो इट्स बीन ईयर मार्क्ड फॉर अ हॉस्पिटल। DDA हैज नॉट बीन गिविंग दैट लैंड टू दिल्ली गवर्नमेंट फॉर अ हॉस्पिटल फॉर द पास्ट 4 years. They were ready to allot it to MCD for a garbage dump, but they did not give it to Delhi government for making a hospital. What is the big problem यहाँ पे ओखला वाले इलाके में? लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि जी आपने स्कूल नहीं, आप कहते हो आपने सब जगह स्कूल बनाया, आपने हमारे इलाके में स्कूल क्यों नहीं बनाए? क्यों? क्योंकि ज़मीन नहीं है। जो ज़मीन है वो DDA के पास है, DDA हमें ज़मीन देती नहीं है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपको एक मिनिमम साइज़ का प्लॉट चाहिए 12th standard तक का स्कूल बनाने के लिए, वो सारी ज़मीन पे DDA बैठी हुई है। अगर इफ एन MP गेट्स इलेक्टेड फ्रॉम आम आदमी पार्टी, देन आर से गोज अप इन इंश्योरिंग दैट जहाँ पे स्कूल चाहिए, जहाँ पे कॉलेज चाहिए, जहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए, आर से इंक्रीजेज आर एबिलिटी टू प्रेशराइज फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स इंक्रीजेज। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर। Even while the police comes under the central government, हर district में एक district monitoring committee होती है police की, which supervises के, which overall monitoring law and order की करती है। This committee meets once every month. This committee is headed by the member of parliament. Our respected member of parliament in the past 5 years for 60 meetings has gone once in past 5 years. See, this is a good question. This is a very good question actually. Hamna jab, she is asking ke who is our MP? This is a question that a lot of people don't have an answer for. Kuch din pehle hum Patpatganj mein campaign kar rahe the. To kisi ne pucha wahan pe local logon se, ji aapka MP kaun hai? To unhone kaha Manish Sisodia. So, another interesting episode happened here only in Okhla. वहाँ पे आई वॉज इन अ मीटिंग विद आर MLA मिस्टर अमानतुल्ला खान। उन्होंने ऐसे ही कहा अपने ऐसी मीटिंग में कि जी अगर हमारे MP ने ओखला में एक भी काम कराया तो मैं उनको वोट दूंगा। तो किसी ने हाथ खड़ा किया, कहा नहीं जी एक काम कराया है। तो उन्होंने माइक देकर पूछा जी क्या काम कराया है? कहते उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल के सामने एक टॉयलेट बनवाया है। सो दिस इज द अचीवमेंट कि पिछले 5 साल में हमारे इलाके के MP ने पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे 3 लाख वोटर हैं एक टॉयलेट बनवाया है। सो लॉ एंड ऑर्डर एक इतनी बड़ी इश्यू है, इतना इस पूरे बेल्ट में एक इतना बड़ा इशू है। एंड आप पुलिस की हालत देखिए, आप जैसे ही नई दिल्ली के इलाके में जाते हैं आपको हर 100 मीटर के बाद पुलिस की गाड़ी दिखती है। आप इस पूरे एरिया में घूमिए, आप किलोमीटर दर किलोमीटर चलते जाइए, आपको कोई पुलिस की गाड़ियाँ नहीं दिखती। नहीं वो तो अब आपके इलाके में एक नया DCP आ गया है जब से वो, देखिए एक DCP के आने से, एक वो जो भी आई फॉरगेट हिज नेम, दिस न्यू पुलिस ऑफिसर जिसकी उपिंदर, नाउ एक पुलिस ऑफिसर बदलने से हाउ मच कैन चेंज द
MP who was supervising, monitoring this law and order situation, unke itni fursat nahi hai ki wo mahine mein ek baar meeting ke liye ja sake. For all the people who have voted him into power, nobody knows him. That's his fault. And so this is the thing, ki agar chahe wo DDA ki zameen ho, chahe hame schools ke liye chahiye, colleges ke liye chahiye, hospital ke liye chahiye, chahe wo law and order situation ki supervising and monitoring ho, these are all issues that an MP can take up, number one. Number two, if the MPs of Delhi and the Delhi government are of the same party, then a far greater synchronization can happen. Because zyada agencies phir ek hi umbrella mein aa jati hain, as opposed to this constant tussle that we are now being seen in the past 5 years. Ek minute, Ashima. I want to ask you a question on the condition that you drink your tea. Mera sawal aap se ye hai ke aap is waqt jo hamare itne sare हमारे इतने पड़ोसी यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों ने जिसमें जो मेरे उम्र के हैं यहाँ लोग, उन्होंने वो वक्त देखा है जबकि पूरी पूरी रात बिजली नहीं आती थी, यानी जिंदगी वॉज अ लिविंग हेल एट दैट टाइम. तो आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो अगर एक इन वन लाइन जो आपका ऑब्जेक्टिव है इस वक्त, यहाँ बहुत से लोग हैं जो कमिटेड कांग्रेस को हमेशा वोट देते हैं, और एक आप इस वक्त ये नहीं कह रही कि कोई पार्टी अच्छी है कोई पार्टी बुरी है, आप इस वक्त ये कह रही हैं कि सब स्ट्रेटेजिक वोटिंग करें. तो मेरे ख्याल में इस पॉइंट को आप, एक तो आप एम्फसाइज कर चुकी हैं मगर मैं उसको आई वांट टू अंडरलाइन इट, और दूसरे ये कि यहाँ जितने लोग हैं इसका बहुत ज़बरदस्त एक जिसे कहना चाहिए इम्पैक्ट हो सकता है, अगर एक एक इंसान जो यहाँ बैठा है कम से कम 10, 20, 30, 40 स्प्रेड द वर्ड, दैट विल बी, इसकी उपलब्धि यही होगी अगर ये बात आगे तक पहुँच सके. थैंक यू. आपने चाय पी ली, अब वी लास्ट अशिमा. अशिमा कम. आतिशी, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद ऑल ऑफ अस. एक तो पहली बात, आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है कंसिस्टेंटली एक चीज़ देखी है कि रियल इश्यूज, दिल्ली के असली जो मुद्दे हैं उनको आप लोगों ने एड्रेस किया है, एंड वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. हम लोग आपके साथ हैं, बाकी सारी चीज़ें हम ज़रूर एज द थिंग गोज ऑन वी विल सपोर्ट यू ऑन एंड वी विल टॉक फर्दर. आप ऐसे भी लोग हैं जो और अप्रोचेबल हैं तो इसलिए बात हो पाती है. पर ये है कि दिल्ली में एक जो पिछले कुछ टाइम से बहुत ही कोर मुद्दा रहा है वो पोल्यूशन का है, और मैं बिल्कुल इस उसमें नहीं हूँ कि दिल्ली सरकार जो है वही उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढे. ये हम सबकी प्रॉब्लम है और हम लोगों को इसको साथ में सुलझाना पड़ेगा, चाहे वो जिस भी तरीके से हो. पर ये है कि हमारी सरकार से ज़रूर रिक्वेस्ट होगी कि एज़ थिंग्स गो बाय वी वुड रिक्वेस्ट कि आप इसके लिए सॉल्यूशंस अपने तरीके से ढूंढें, जो जो आप ही लोग कर सकते हैं. सिटीजन्स हम लोग इतना ही आप लोगों से डिमांड रख सकते हैं. रिक्वेस्ट यू टू कीप दैट इन माइंड एट ऑल टाइम्स. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू. Plant is something that is on our minds all the time. I'm just wondering, why did Aam Aadmi Party tolerate? You said you were going to get rid of it, and then suddenly you've given up your opposition and you are in favor of it, it seems. No, no, we are not in favor of it. Aur koi sawal ho? Ek Bilal. Yes. Bilal. हाय. अच्छा, सबसे पहले फुल डिस्क्लोजर, आई एम पार्ट ऑफ अ क्राउड फंडिंग टीम. तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चाहें तो प्लीज़ डू सपोर्ट हर कैंपेन, इनके वेबसाइट पे लिंक है.
सो माय क्वेश्चन टू यू आतिशी इज, देखिए एक दो सवाल यहाँ रखे भी, इकबाल भाई हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी ये बात रखी. देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ द लास्ट 5 years, देयर इज अ रेसिड्यू ऑफ व्हाट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 5 years. देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्पेशली विद इन द माइनॉरिटीज, विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, दैट बहुत डेलिबरेटली इनविजिबलाइजेशन हुआ है. इस कम्युनिटी से लीडरशिप को जानबूझ के दबाया गया है, जहाँ जहाँ इमर्जिंग लीडरशिप थी भी वहाँ भी दबाई गई है. और जिसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट हमने पिछले 5 साल में देखा कि जब भी कोई मॉब लिंचिंग का केस होता था, जब भी कोई ऐसा मुद्दा था जहाँ आपको लीडरशिप की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे देखा जा रहा था कि लीडरशिप एब्सेंट थी, देर हैज़ बिन नो लीडरशिप. पिछले पूरे 5 साल में जितनी बार भी एक वायलेंट किसी हैपनिंग पे रिस्पॉन्स आया है, लार्जली सिविल सोसाइटी की तरफ से आया है, पोलिटिकल जो लीडरशिप थी वो एबसेंट थी. इस कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल बार बार मुस्लिम कम्युनिटी का आता है कि व्हाट अबाउट द लीडरशिप. सो दैट इज वन क्वेश्चन. एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब द लीडरशिप कमिंग फ्रॉम द आम आदमी पार्टी. छोटी सी उसमें बस ये ऐड करना है कि आपको देख के बहुत इंस्पायर होते हैं लोग कि आप बहुत ही एजुकेटेड हैं, आप स्टीफन्स गए, आप ऑक्सफोर्ड गए और उसके बाद भी पॉलिटिक्स में जा रही हैं. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम कम्युनिटी से भी इंटेलेक्चुअल अगर लोग निकल रहे हैं तो उनको भी पॉलिटिकली सीरियसली लिया जाए, और जरूरी ऐसा नहीं हो कि हर बार गुंडा एलिमेंट को ही पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल दिया जाए.